भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा की जिला शिमला की बैठक का आयोजन दीप कमल चक्र शिमला में मोर्चा के जिला अध्यक्ष शांता कुमार की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक में जनजातीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर शर्मा, भाजपा जिला शिमला के अध्यक्ष रवि मेहता एवं भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी करण नंदा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक बैठक है। ये पहली बार है कि जिला शिमला में इस मोर्चे का गठन हुआ है। आने वाले समय में ये मोर्चा एक विराट रूप लेने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत में कुल मिलाकर 250 जनजातियां हैं और हिमाचल प्रदेश में 10 प्रकार की जनजातियां हैं। इसमें से 3 प्रचलित हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा एवं भरमौर के 10 लाख लोग जनजातीय माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों का पर्यायवाची शब्द ईमानदारी है। हमारी संस्कृति ही हमारा आधार है और यही हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मूलाधार सबका साथ सबका विकास है और यही हमारा मूल मंत्र भी है। ये पहली बार है कि प्रदेश को जयराम ठाकुर जैसा मुख्यमंत्री मिला है जो सब तक पहुंचते हैं और सबके विचार और समस्याओं को भी सुनते हैं और निवारण भी करते हैं। देश में सभी राजनीतिक दल एक परिवार के होकर रह गए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा जनजातीय क्षेत्रों की समस्याएं सुनी हैं। ये पहली बार था कि जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग मंत्रालय बना। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अभी इस बजट में जनजातीय क्षेत्रों के उद्धार के लिए 7000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। आज बैठक जनजातीय मोर्चा जिला शिमला की हुई है। ये विशेष रूप में संगठन विस्तार की बैठक है। इसमें हमारी संगठन विस्तार के लिए योजना बनी है। शिमला में भी बहुत से जनजातीय लोग रहते हैं, जहां हमने जनजातीय लोगों की समस्याओं को यहां आइडेंटिफाई किया है, उनको एड्रेस किया है। वहीं हमने विस्तार संगठन का कैसे हो इसके लिए भी यहां एक विशेष योजना बनी है। और यहां पांचों मंडलों में जनजातीय लोग कहां कहां रहते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा यहां जिला की टीम में हुआ है। और अगले नवंबर तक हम पूरा यहां मंडलों तक और बूथ तक जनजातीय मोर्चा का गठन हो उसके लिए एक योजना यहाँ बनी है। और जनजातीय लोगों की समस्याएं शिमला के अंदर क्या क्या है उनको भी आइडेंटिफिकेशन का काम हुआ है। और जल्द हम उन समस्याओं को लेकर जहाँ प्रशासन के